बदल रहा है कश्मीर, बदल रहा है उसका मिजाज और बदल रही है उसकी रंगत। ये जन्नत की तस्वीर है, उस जन्नत की जहां दहशतगर्दों ने फिजाओं में लहू के ताने बाने ने जिंदगी जहन्नुम बना रखी थी। अब बदलाव की बयार चल रही है, नई सुबह में उम्मीदों के सपने, आजादी के गीत गाए जा रहे हैं, देशभक्ति के अफसाने फिजाओं में गूंज रहे हैं, वतन की आशिकी में भारत माता के बेटे अपनी माँ का ललाट फक्र से ऊंचा कर रहे हैं। जी हाँ, ये जो आप देख बदलता कश्मीर, हम सब का कश्मीर, हमारे कश्मीरी भाइयों का कश्मीर, देश में हर घर तिरंगा अभियान, तो हिंद का मस्तक कैसे पीछे रहता। कश्मीर में नौनिहालों की नई पोत दे रही है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के जज्बात अब हर जहन का फलसफा बन गए हैं। यकीनन यही है अपना। दरअसल केंद्र सरकार ने देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान छेड़ा है। हर घर तिरंगा अभियान का मकसद देश के देश भक्ति को बढ़ावा देना है। 31 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की किया था कि वे आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 13 से 15 को आयोजित हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो। तो ऐसे में देशभक्ति की भावना जगाकर हाथों में तिरंगा लेकर निकल पड़ा है नए अभियान पर। और इसी राज्य की हो रही है तो वो है जम्मू कश्मीर, जहां बदलाव की बहार है। लाइन लगा देखकर हम कल्पना कर सकते हैं कि अमृत महोत्सव पूरे देश में कितने बड़े स्तर पर एक त्योहार के रूप में। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कश्मीर हर घर तिरंगे का संकल्प ले रहे हैं। संकल्प इस बात का कि अब कश्मीर बदल चुका है, कि अब कश्मीरी डरेंगे नहीं, आतंकवादियों का सामना करेंगे। यानी कि अब कश्मीर पत्थर, बम, गोला बारूद या बंदूक नहीं लेते और घर पर हथियार नहीं रखते, अब वो अपने हाथों में तिरंगा और दिल में। और यही तो है नया कश्मीर, जहां पहले तिरंगा लेकर तो छोड़िए बाहर निकलना ही मुश्किल था, उस कश्मीर हर ओर तिरंगा शान से लहरा रहा है। लाल चौक की ये तस्वीरें भी हर किसी को हैरान कर रही हैं। भारत माता की तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हेडलाइन।